भारत में हमेशा केंद्रीय शासित प्रदेशों जो यूटीज होती है यूनियन टेरिटरीज उनको राज्य बनाया गया है, उनको अपग्रेड किया गया है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को बदल दिया है। हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। भारत में कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के बनने के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। लोगों ने राज्य का दर्जा पाने के लिए लंबी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। 1950 में नागालैंड को असम से अलग कर केंद्र सरकार ने एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड देश का 16वां राज्य बना। नागालैंड और भारत सरकार के बीच 68 सालों में 4 पीस एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इन पीस एग्रीमेंट्स पर साइन होने के बाद नागालैंड में पहले के मुताबिक शांति का माहौल है। मिजोरम के साथ भी 30 जून 1986 को एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया। इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए मिजोरम का एक स्टेट होना जरूरी था, लिहाजा 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को एक फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी नए राज्य का उद्घाटन करने तब आइजोल भी गए थे। 1985 में पंजाब अकॉर्ड साइन हुआ था। यह अकॉर्ड राजीव गांधी ने साइन किया था जिसमें अकाली दल की कई मांगे मान ली गई थी। इस अकॉर्ड को राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। पंजाब में शांति का माहौल कायम करने के पीछे इस अकॉर्ड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असम में सन 1985 में भारत सरकार और असम मूवमेंट के लीडर्स के बीच एक अकॉर्ड साइन किया गया था, समझौता साइन किया गया था। इस समझौते पर साइन होने के बाद असम में भी इन नेताओं का विरोध लगभग शांत हो गया था। सरकार बनी थी, एजीपी की सरकार बनी थी। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि दुनिया में जहां जहां भी उग्रवाद की समस्याएं आई हैं उसको ज्यादातर देशों ने एक ही तरह से हैंडल किया है, तशद्दुद से, जोर जबरदस्ती से, डंडे के जोर पे, बंदूक के जोर पे, चाहे वो इसराइल हो, आयरलैंड हो, या स्पेन में बास्क हो, या और भी नाम जो लिए गए। श्रीलंका ने एथनिक क्लेंजिंग का रास्ता अपनाया था। ये सिर्फ भारत ही था जहां पंजाब, असम और मिजोरम में बातचीत और चुनाव का रास्ता अपनाया गया। क्या कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता था आंसर साहब? बिल्कुल हो सकता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट जोन है, कामयाबी वहीं पे मिली है जहाँ पे बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए मसले को सुलझाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से आपने भारत का आपने जो कई मिसालें दी हैं, तो दुनिया में जहाँ कहीं भी मस्कुलर अप्रोच को अडॉप्ट किया गया वहाँ फेल हुआ। आपने देखा कि हमारे यहाँ इसी सरकार ने मस्कुलर अप्रोच, चाहे ब्रूटल पेलेट गन्स का यूज़ करना, पत्थर जो बाजी कर रहा है उसके ऊपर बंदूक चलाना, या उनसे बातचीत के ज़रिए न सुलझाना, तो ये आपने देखा कि 5 साल जो हमारे यहाँ कोशिश हुई है वो पूरी मिलिट्राइजेशन और मस्कुलर अप्रोच से, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। कामयाब नहीं हुआ तो बजाय इसके कि हम बातचीत से सिलसिला शुरू करें, अब हमने स्टेट को बाइफर्केट किया। ये भी मैं समझता हूँ कि जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। भारत में बहुत सारे स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है लेकिन इस तरीके से कहीं नहीं हुआ है। जहाँ कहीं भी हुआ कंसल्टेशन से हुआ है। लेकिन मैं जो आपने जो सवाल उठाया कि जहाँ कहीं भी कोई बात, कहीं मामले जो उस कन्फ्लिक्ट जोन में सुलझे हैं वो बातचीत के ज़रिए ही सुलझे हैं और ख़त्म हुए हैं, और वही रास्ता हमारे लिए अडॉप्ट भी करना था। अब आइंदा भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जो अपराइजिंग की जो सिचुएशन है वो आसानी से दबने वाली नहीं, जब तक कि हम इन तमाम लीडर्स को जिसको हमने नज़रबंद कर रखा है या अरेस्ट कर रखा है उनसे बातचीत ना करें। तो वो तो रास्ता हमें फिर भी अभी भी अख्तियार करना होगा। ये हम समझें कि 370 को एब्रोगेट कर दिया और वहाँ पे स्टेट्स को हमने डिवाइड कर दिया तो मसले हल हो गए। मैं समझता हूँ कि इससे मसले और बढ़ जाएंगे और ये मुद्दा भी बढ़ जाएगा कि आखिर स्पेशल स्टेटस आपने लिया कैसे बिना लोगों के कंसल्टेशन से। तो अगेन वहाँ पे विश्वासघात वाली बात ज़रूर आएगी और हर बार ये उठेगी। सबसे अहम बात जो कि अभी तक कहना चर्चा में नहीं आई वो ये था कि 370 के पीछे क्या था। ये एक ब्रिज अग्रीमेंट था। कश्मीर को पूरा मौका मिला था कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। शेख अब्दुल्ला ने अपने भाषण में भी बोला कि हमारे पास जो कारण था पाकिस्तान के साथ जुड़ना था, हमारा मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, हम जुड़े हिंदुस्तान से क्योंकि सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक थी और यहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे, इस वजह से हम जुड़े। तो वहाँ पर जो ब्रिज अग्रीमेंट था वो ये था कि अगर आप ये अनल कर देते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जो पुराना स्टेटस था उस पर वापस जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि कश्मीर अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य देश की तरीके से स्थापित हो जाता है।
तो ये वाला जो मुद्दा है इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। अमित शाह जी ने इसके बारे में बोला भी, परंतु उसमें कुछ बात नहीं निकली। तो अगर ये पुरानी हैसियत में वापस आ जाता है तो इसमें सब वो बीज हैं जिसकी वजह से लोबा चर्चा पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं और तरह तरह के जो अपराइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी संभावना बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो हिंदुस्तान किस तरीके से इसको संभालेगा? जो मुद्दा लोकतंत्र के माध्यम से सुलझा है कई दफ़ा, ऐसी बात नहीं कि 70 साल के इतिहास में वहाँ पर शांति नहीं रही, वहाँ काफ़ी लंबे समय तक शांति रही। एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि अब तक ये समझा जाता रहा है कि 370 जो है एक बिब्लिकल कोड, एक ब्रिज का काम करता रहा है, और अगर ये ब्रिज टूट गया तो फिर हमारा कनेक्शन जो है वो ख़त्म होगा। तो आज ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जैसे कश्मीर फिर हमसे डिसइंटीग्रेट हो गया है, इसलिए कि वहाँ पर प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोसेस हमने फॉलो नहीं किया जिस प्रोसेस से हमने उनको जोड़ा था। जी, बहरहाल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है या जो एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो ये भी चल रहा है कि कश्मीर पहली दफ़े इंटीग्रेट हो गया है देश के साथ। बहरहाल पंजाब के साथ अकॉर्ड साइन होने के बाद वहाँ दोबारा चुनाव हुए थे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई थी। इस चुनाव में अकाली दल को 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस को महज 32 सीटें मिली थी। चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था पंजाब में कांग्रेस भले विधानसभा चुनाव हार गई है लेकिन यह भारत की एकता की जीत है। मेरा सवाल मुख्तसर तौर पर, मैं जवाब चाहूंगा, समय की कमी है, मेरा सवाल यह कि ऐसा ही असम में भी हुआ था जैसे मैंने जिक्र किया, वहां पर भी चुनाव कराया गया, प्रफुल्ल महंता की अगुवाई में एजीपी की सरकार बनी, यानी उग्रवाद और केंद्र सरकार के बीच, उग्रवाद मिलिटेंसी और केंद्र सरकार के बीच एक बफर का होना बहुत जरूरी होता है, जो राज्य सरकार उस रोल को अदा करती है, जो राज्य सरकार नुमाइंदगी भी करती है जनता की। क्या ये बात मौजूदा सरकार को समझ नहीं आई कि पंजाब में भी बफर क्रिएट किया गया, सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार बनी, आसाम में भी बफर क्रिएट किया गया केंद्र और उग्रवाद के बीच, वहां पर प्रफुल्ल मोहंता की सरकार बनी, लोगों को भी लगा कि हाँ उनकी सरकार है पंजाब में भी आसाम में भी, क्या मौजूदा सरकार को ये बात समझ में नहीं आई? अब हो सकता है नहीं आई, इसलिए कि हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं और जो इतना बड़ा जो देश है बना है और इतनी, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इतनी सारी स्टेट्स जो मर्ज हुई और इतनी डाइवर्स थी और वहाँ पे प्रॉब्लम्स तब से आज तक कुछ ना कुछ चलती रही हैं और ये बातचीत के ज़रिए ही सुलझाई गई हैं, लेकिन शायद हमने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस का फ़ायदा नहीं उठाया और जिसकी वजह से इस तरह के कदम उठाने पड़े। जी, इस तरह के कदम उठाने पड़े। और इस स्टेज पर मैं आपको जाना है, मैं जानता हूँ अंसारी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हम आगे बढ़ते हैं। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने का। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसकी कमान लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में होंगी। इस फैसले पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदुस्तान के नक्शे से आज एक पूरे राज्य का नामोनिशान मिटा दिया गया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि संविधान को आज डस्टबिन में फेंक दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब यहां 106 केंद्रीय कानून लागू हो सकते हैं, जिनमें आरटीआई, इंडियन पिनल कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और आधार कार्ड जैसे एक्ट शामिल है। जम्मू कश्मीर पर लिए गए अपने फैसलों के बाद सरकार का कहना है कि अब कश्मीर देश का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, अब पाकिस्तान और चीन के साथ बात करने में भी आसानी होगी और अब सारी राजनीतिक पार्टियों को कश्मीर में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर का आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर विकास होगा। इस फैसले से राज्य में मिलिटेंसी कम होगी। हालांकि राज्यसभा में अमित शाह ने यह भी कहा कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जा सकता है। सुनते हैं क्या कहा इन नेताओं ने। द स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू कश्मीर, सो यू ब्रिंग दिस प्रेसिडेंशियल रूट एंड यू रीलाइट द स्टेट। This is basically what happened today. I'll get to how even Parliament was hoodwinked and made a mockery of. The Constitution has been sadly either forgotten conveniently or thrown into the dustbin. हमारे यहाँ परंपरा तो यही रही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि यूनियन टेरिटरीज से राज्य बनते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया।
अमित शाह का कहना है कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर दोबारा से राज्य बन सकता है, उसके इस बयान में आप कितना दम देखते हैं? मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि क्या पैमाना होगा किसी भी इलाके को राज्य बनाना या यूनियन टेरिटरी बनाने का। इसमें एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी बनाने से कुछ हद तक जो हमारे क्लेम थे पाकिस्तान में, क्योंकि हमने 1992 में पार्लियामेंट में कहा था कि POK हमारा हिस्सा है और पूरा कश्मीर के बारे में हम सोचते थे, उन क्लेम्स के बारे में क्या होगा जो हम चित्राल और गिलगित और बल्तिस्तान के बारे में जिक्र करते थे, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान ने इन सबको मर्ज कर दिया। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हम अपने को कुछ और भी छोटा बना लेते हैं और जो पुराने क्लेम थे उसके बारे में हम लोग को भूल जाना पड़ेगा।